बात अब उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही लैपटॉप वितरण योजना की। जनपद अमरोहा में पात्र छात्र छात्राओं को लैपटॉपों का वितरण 30 और 31 जुलाई को सुबह 11 बजे मंडी समिति परिसर में प्रभारी मंत्री द्वारा किया जाएगा। जिलाधिकारी भवनाथ सिंह ने जीपीएन 7 को बताया कि जनपद भर में 9,289 लैपटॉपों का वितरण पात्र छात्र छात्राओं को प्रभारी मंत्री द्वारा किया जाएगा। डीएम भवनाथ सिंह ने बताया कि लैपटॉप वितरण समारोह की सभी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। डीएम ने बताया कि 30 जुलाई को धनौरा, हसनपुर और अमरोहा के 8 शिक्षण संस्थानों के 3,529 पात्र छात्र छात्राओं को लैपटॉप वितरित किए जाएंगे। वहीं 31 जुलाई को तहसील अमरोहा के 12 शिक्षण संस्थानों के 5,760 पात्र छात्र छात्राओं को मंडी समिति परिसर अमरोहा में लैपटॉपों का वितरण किया जाएगा। जनपद अमरोहा में पात्र छात्र छात्राओं को लैपटॉपों का वितरण 30 और 31 जुलाई को सुबह 11 बजे मंडी समिति परिसर में प्रभारी मंत्री द्वारा किया जाएगा। जिलाधिकारी भवनाथ सिंह ने जीपीएन 7 को बताया कि जनपद भर में 9,289 लैपटॉपों का वितरण पात्र छात्र छात्राओं को प्रभारी मंत्री द्वारा किया जाएगा। डीएम भवनाथ सिंह ने बताया कि लैपटॉप वितरण समारोह की सभी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। डीएम ने बताया कि 30 जुलाई को धनौरा, हसनपुर और अमरोहा के 8 शिक्षण संस्थानों के 3,529 पात्र छात्र छात्राओं को लैपटॉप वितरित किए जाएंगे। वहीं 31 जुलाई को तहसील अमरोहा के 12 शिक्षण संस्थानों के 5,760 पात्र छात्र छात्राओं को मंडी समिति परिसर अमरोहा में लैपटॉपों का वितरण किया जाएगा। शासन द्वारा वितरित किया जा रहा है लैपटॉप का वितरण छात्र छात्राओं को मंडी समिति में प्रभारी मंत्री द्वारा किया जाएगा। शासन द्वारा चलाई जा रही लैपटॉप वितरण कार्यक्रम की योजना प्रारंभ हो चुकी है, जिसके अंतर्गत 30-31 जुलाई को मंडी समिति में छात्र छात्राओं को प्रभारी मंत्री लैपटॉप वितरण करेंगे। जिलाधिकारी भवनाथ सिंह ने इस बारे में बताया कि लैपटॉप वितरण कार्यक्रम की सभी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। कैमरा पर्सन वामिस मशहूर के साथ आशिकीन कुरैशी, जेपीएन 7।